हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चलेंगे आगरा। सो आप सभी जानते हो लखनऊ से आगरा जाना बहुत बहुत ही इजी हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लेंथ 302 किलोमीटर है। ये आ गया है टोल। चलिए इसके टोल की बात करते हैं। तो जो अभी न्यू फास्टैग सिस्टम की बात चल रही है, इसमें जो कि ऑलरेडी वो सिस्टम है, जैसे आप इस टोल से एंट्री लेते हैं और फॉर एग्जांपल आपको मैनपुरी या कहीं भी जाना हो तो आपको उसके किलोमीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो के टोल का जो चार्जेस है वो कट जाएगा। अभी थोड़ा इस पे और ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर कुछ आगे की और इन्फॉर्मेशन की बात करें। इस पे जो कि ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट आप ड्राइव करते टाइम ध्यान रखना अपनी स्पीड का, बिकॉज इसमें स्पीड डिटेक्शन सिस्टम है जो कि व्हीकल के अकॉर्डिंग स्पीड लिमिट दी गई है। जैसे जो LMB लाइट मोटर व्हीकल कार होती है उसके लिए जो स्पीड है 100 है और हैवी व्हीकल के लिए 80 है। तो आप अपने व्हीकल के अकॉर्डिंग ही स्पीड लिमिट रखना, अदरवाइज चलान का मैसेज आ जाएगा। मैं तो इस एक्सप्रेसवे से बहुत ही इम्प्रेस हुआ रियली। अब इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। इसमें 6 लेन है जो कि 8 लेन में एक्सपेंडेबल हो सकती है, और इसमें एयर स्ट्रिप की लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ फाइटर प्लेन्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, राइट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग आ गए हैं रेस्ट एरिया की तरफ। अब रेस्ट एरिया एंड फ्यूल स्टेशन की बात करें तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इफ यू आर ट्रैवलिंग लखनऊ टू आगरा। सो हेयर फ्रॉम लखनऊ एंट्रेंस आपको मिलेगा 75 किलोमीटर बाद एंड देन नेक्स्ट 198 किलोमीटर पे। जस्ट सी कितना गैप है, राइट। तो जो भी आपको लेना है, फूड या फ्रेश होना हो, आप फ्रेश हो सकते हो, और उसमें कोई भी कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं दिया गया है विद इन दैट किलोमीटर। अगर इन रेस्ट एरिया और फ्यूल स्टेशन की कुछ फीचर्स की करें तो यहाँ पे लार्ज पार्किंग एरिया, पब्लिक टॉयलेट्स, फूड कोर्ट एंड मोटेल एंड डर्मोटोरीज फॉर रेस्ट। ओके, ये सब डिटेल्स आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बट मैं पर्सनली बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे मोटल्स में तो टी ही नहीं मिलती है, प्रॉपर फूड कोर्ट के नाम पे जंक फूड मिलते हैं बस। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फूड का खुद ही मैनेज करें यहाँ पे। यस, पेट्रोल स्टेशन और पब्लिक टॉयलेट, यही सही लगा मुझे इन फूड प्लाजा का, और तो बस नाम है बड़े बड़े और कुछ भी नहीं। अभी देखिए मैं आप लोगों से बात करते करते 200 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुका, जो कि मुझे पता भी नहीं चला। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। यहाँ आपको बहुत ही सेफ लगेगा। जो हाईवे और एक्सप्रेसवे होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो हाईवे का कट होता है वो बहुत कम डिस्टेंस पे होता है, जिससे ये डर रहता है भाई कौन कहाँ से आ जाएगा, राइट। और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बट एक्सप्रेसवे पे ये कट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और इस पे और सेफ आपको लगेगा। बाइक अलाउ नहीं है, कोई एनिमल नहीं आ पाएगा रोड में, बिकॉज यहाँ पे नेट फेंसिंग की गई है और फिर डिवाइडर है। तो इसमें जो सिक्योरिटी है, जैसे जो फालतू की चीज़ें जो ना आए उसके लिए मैं तो कहूँगा 2 लेयर है, और जो नेट फेंसिंग है वो ऑलमोस्ट 10-12 फीट होगी, तो फिर दैट इज़ वेरी गुड। तो इसे आपको बहुत ही सेफ्टी मिलेगी एंड सेफ फील भी होगा कि आप जा सकते हो, आराम से चला सकते हो, 100 कोई इशू नहीं होगा। इसमें लेन सेफ्टी की बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू एंड टेल यू। इसमें 3 लेन है, जो मिड लेन है जिसमें मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ओके, ये कार लेन है, और जो मेरे लेफ्ट में लेन है बगल वाली उस पे हैवी व्हीकल के लिए है, और जो राइट में है ये ओवरटेकिंग के लिए है, जिसको ओवरटेक करना हो इस लेन में करे और फिर अपने एप्रोप्रिएट लेन में शिफ्ट हो जाए, ओके। अगर आप दूसरे जैसे लाइक हैवी व्हीकल वाली लेन है, आप उसमें चल रहे हो भले ही कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वो डिटेक्शन सिस्टम आ गया तो आपका उसके लिए भी रॉन्ग लेन में चलने के लिए भी चलान आ जाएगा। तो अपनी लेन का ध्यान रखें और जिससे एक्सीडेंट ना हो। अब कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और इमरजेंसी हेल्पलाइन की बात करते हैं। इसमें ECB
जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉल बॉक्स, सर्वेलाइंस कैमराज, इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, वाओ ये सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ भी कुछ एक्सीडेंट होने पे या कुछ भी इमरजेंसी पड़ने पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉल बॉक्स से कॉल कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी, ये बहुत ही अच्छा है। और अब मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा आप बोलूँगे वाओ, रोड हो तो ऐसा। 3 रिटायर्ड DSP, 5 इंस्पेक्टर एंड 10 सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर अपॉइंटेड ओवर एक्सप्रेसवे फॉर एनी रेस्क्यू एंड अंडर एक्सीडेंट मैनेजमेंट एंड 20 व्हीकल्स विद 200 सिक्योरिटी पर्सनल्स 24 आवर्स पेट्रोलिंग करते हैं एंड एवरी 30 किलोमीटर पे एक एम्बुलेंस को डिप्लॉय किया गया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एंड 10 रिकवरी क्रेन्स एंड हाइड्रा डिप्लॉय किए गए हैं फॉर इमरजेंसी असिस्टेंस टू। अगर आपको व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो 10 मोबाइल वर्कशॉप असिस्टेंट भी दिया गया है, अगर किसी की नीड हो तो UPEIDA हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो तो उसको ये सर्विस मिल जाएगी। बट ये सर्विस जो है ये पेड सर्विस है, राइट। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर कोई एनिमल आता है तो उसके लिए UPEIDA की 5 व्हीकल्स डिप्लॉय की गई है कि एनिमल को वहाँ से पकड़कर एनिमल को सेफ प्लेस पे पहुँचाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, अगर आपको एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और डिटेल्स भी जाननी हो तो आप एक्सप्रेस मित्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। गाइज हम लोग आगरा पहुँचने वाले हैं, यहाँ आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला और रास्ता तो कमाल का था, वाओ मुझे बहुत ही अच्छा लगा आगरा एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला के। समय जो हो रहा है 1 बज रहे हैं, तो अभी हम गाइज हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं, यहाँ चल के फिर ताजमहल जाएंगे देखने अगर टाइम रहा, अदरवाइज नेक्स्ट डे जाएंगे। सो जो ताजमहल की वीडियो होगी वो नेक्स्ट डे अपलोड होगी, सो प्लीज आप बने रहे। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही एफर्ट लगती है एक वीडियो के पीछे, आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।